हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरासास पाठशाला। आज हम देखेंगे इकोलॉजी का एक न्यूमेरिकल जो कि सीएसआईआर नेट 2016 जून में पूछा गया था। इट इज़ फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ। सो इसके हम दो मेथड्स देखेंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो दोनों मेथड से इसको देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारा, इफ जिप्सी मॉथ एग डेंसिटी इज 160 एट टाइम टी एंड 200 एट टाइम टी प्लस 1, व्हाट विल बी द वैल्यू एट टाइम टी प्लस 3, अज्यूमिंग दैट द एग डेंसिटी कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट कॉन्स्टेंट रेट। दीज आर द ऑप्शंस 250, 280, 312 एंड 390। सो इसमें क्या पूछा है, एक कोई पॉपुलेशन दे रखी है जिसमें हमारे जो डेंसिटी दे रखी है वो है 160। तो हमें क्या दे रख, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ग्रोथ कर्व होते कैसे कैसे हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं। तो ये होता है हमारा, अगर ग्राफ है तो इस साइड जो हम वाई एक्सिस पे लेंगे वो पॉपुलेशन डेंसिटी लेंगे और एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे। अगर इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो कर्व होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल कर्व जो हमारा, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल कर्व जो कि हमारा होगा कैसा, ये रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं होगा, ये रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसके साथ साथ इसमें अगर हम देखा जाए तो हम क्या देखते हैं कि अगर दूसरा जो कर्व होता है हमारा वो क्या होता है, वो होता है थोड़ा सा एस शेप कर्व होता है और ये होता है लॉजिस्टिक कर्व, ये होता है लॉजिस्टिक कर्व जो कि हमारा कैसा होता है, ये लॉजिस्टिक कर्व ये रियलिस्टिक होता है, लॉजिकल होता है। और अगर हम से अगर हम के की वैल्यू निकालते हैं तो ये के की वैल्यू होती है के होता है, के होती है कैरिंग कैपेसिटी, और इससे हम जो वैल्यू निकालते हैं वो हमारी होती है dn by dt which is equals to rn जो कि हमारी रेट होती है, dn by dt is equals to rn हमारा होता है। अब अगर हम rn को ही कैलकुलेट करते हैं, अगर हम dn by dt से rn के लिए k के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे लॉजिस्टिक में dn by dt is equals to rn। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है इसमें k माइनस एन अपॉन के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये देखते हैं हम। तो इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें दे क्या क्या रखा है इसमें, हमें गिवन है, क्या गिवन है हमें, हमें दे रखा है एन नॉट दे, एन दे रखा है एन टी पे कितना पॉपुलेशन है हमारा 160 जो कि हमारा इनिशियल होगा, टी प्लस 1 पे कितना पॉपुलेशन है हमारा 200 और जो रेट है हमारा पॉपुलेशन रेट वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। और हमें एन टी प्लस 2 पे हमारा इसमें कुछ भी दे नहीं रखा है, कोई डेटा गिवन नहीं है, और एन टी प्लस 3 पे हमें ये फाइंड करना है। इसको हम अगर निकालेंगे एन टी प्लस 3 पे तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इसमें रेट ही नहीं दे रखा है कि किस रेट से बढ़ रहा है, बट हमें बाकी का डेटा जो दे रखा है उससे सबसे पहले हम रेट कैलकुलेट करेंगे। तो रेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, आर इज इक्वल्स टू, आर हमारा होगा एन फाइनल जो फाइनल डेंसिटी है माइनस एन इनिशियल जो इनिशियल डेंसिटी है वो डिवाइडेड बाई एन इनिशियल, इनिशियल से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन फाइनल कितना है हमारा अगर टी प्लस 1 के लिए देखा जाए तो 200 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 160। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इसकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग 2.5 के अप्रॉक्स। अब हमने आर कैलकुलेट कर लिया, आर को कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर को कैलकुलेट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना है डी एन बाई डी टी।
यही हमें निकालना है डी एन बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू आर एन। अब हमें पता चल गया आर कितना है और एन हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये हमें पता है टी प्लस टू के लिए निकालेंगे तो टू वाला पॉपुलेशन लेंगे तो आर एन हमें निकालना है। अब हम किसके लिए देखते हैं, पहले टी प्लस टू वाले पॉपुलेशन के लिए देखते हैं, एन हम टी प्लस टू पॉपुलेशन के लिए देखते हैं, वन तक तो हमें पता ही है तो इसको हम आर एन कैसे निकालेंगे, ये देखिए 0.25 मल्टीप्लाइड बाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, एन क्या हो जाएगा हमारा टी प्लस टू के लिए 200, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी 50। पर ये आपकी वैल्यू टी प्लस टू के लिए नहीं होगी, टी प्लस टू के लिए इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसमें 200 का एडिशन करना होगा, तो जो पॉपुलेशन आएगी वो हमारी आ जाएगी एन टी प्लस टू पे, तो ये पॉपुलेशन हमारी कितनी आ गई 250। अगर हम देखें 250 को अगर हम लेके चलें तो 250 को हमें अब क्या लेना है, अब हमें इनिशियल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी हमारी, अब जो हमारा एन नॉट होगा वो टी थ्री के लिए निकालने के लिए वो क्या हो जाएगा, वो हमारा 250 हो जाएगा इनिशियल वाला, और फाइनल वाला क्या हो जाएगा हमारा, तो अब हम इसको इनिशियल लेके चलेंगे, टी प्लस टू को इनिशियल लेके चलते हैं और हम निकालेंगे एन टी प्लस थ्री के लिए। तो जब यहाँ पे हम एन टी प्लस थ्री के लिए निकालेंगे तो रेट तो हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी 2.5, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, अब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, क्योंकि हमने 250 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमारी टी प्लस टू की पॉपुलेशन थी, एन जो था वो हमारा टी प्लस टू वाला हम ये लेके चले, इसलिए हमने 250 लिया, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी अप्रॉक्स 62.5। अब अगर हम एन टी प्लस थ्री निकालेंगे तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 250 प्लस 62.5 को अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये अगर हम देखेंगे तो 312.5 वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो क्या ये 312.5 कहीं ऑप्शन दे रखा है, तो एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं दे रखा बट अप्रॉक्स ऑप्शन दे रखा है जो वो है 312, तो हमारा ऑप्शन थ्री जो है करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने देखा मेथड वन, अब हम देखते हैं मेथड टू, ये इजी मेथड है कंपैरेटिवली, इसका सेकंड मेथड है, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा आपका वो फॉर्मूला क्या होगा, आपको रेट तो निकालना ही पड़ेगा, जो आपने आर की वैल्यू निकाली थी ये तो आपको इसी फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, एन फाइनल एन इनिशियल एन फाइनल माइनस एन इनिशियल डिवाइडेड बाय एन इनिशियल, सो ये तो हमारी सेम ही आएगी 200 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 160 विच इज इक्वल्स टू 0.25 आ जाएगा हमारा, ये तो हमने आर निकाल लिया। अब जो फॉर्मूला इसमें सेकेंड मेथड में यूज होगा वो फॉर्मूला होगा आपका एक्स टी, टाइम किसी भी टाइम पे निकालेंगे हम, टी प्लस थ्री पे निकालेंगे विच इज इक्वल्स टू एक्स इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर, जिस भी पावर पे हम निकालेंगे, जिस भी हम टी के लिए निकालेंगे, सपोज अगर हमने निकाला एक्स किस पे हमने निकाला, टी प्लस वन पे, सॉरी टी प्लस थ्री पे निकालना है हमें, टी प्लस थ्री पे अगर हमने निकाला तो ये था हमारा 160 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.25 जो कि हमारी आर की वैल्यू है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। सो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 312 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ जाएगा। इससे भी हमें ये क्या पता चला, जो हमारी वैल्यू आई टी प्लस थ्री वाले पे पॉपुलेशन की वैल्यू आई वो कितनी आई, हमारी 312 ही आई, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया 312, विच इज ऑप्शन
तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसमें। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।